ट्रेड यूनियन संयुक्त संघर्ष समिति की जिला इकाई ने शनिवार को जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार एवं मांग पत्र सौंपा। ट्रेड यूनियन ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने एक वर्ष का समय हो गया है, लेकिन एक साल की समय अवधि में प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में निर्माण मजदूरों का पंजीकरण, नवीनीकरण और उन्हें मिलने वाली सहायता राशि लगभग बंद पड़ी है। प्रदेश के अंदर जितने भी ट्रेड यूनियन हैं जो हिमाचल प्रदेश में मजदूरों में काम करती हैं, उसमें सीटू है, उसमें भारतीय मजदूर है संघ है, उसमें इंटक है, एटक है और सभी ट्रेड यूनियन मिलकर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो मजदूरों को मदद मिलती थी उसको रोक दिया है और मजदूरों का नवीनीकरण पंजीकरण नहीं हो रहा है और प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा निर्माण के मजदूर श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। ये 1996 के अंदर देश के करोड़ों निर्माण मजदूरों के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये कल्याण बोर्ड बना है, ये कानून बना है, इसमें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 जिसके तहत ये कल्याण बोर्ड बने हैं और ये पैसा जो है जो भी सारे सरकारी काम जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत के होते हैं जिसमें आपकी सड़कें बनती हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं, जो भी सरकारी काम है या जहाँ पे नक्शा पास होता है शहरों के अंदर वहाँ सेस करता है जो भी 10 लाख रुपए से ऊपर है उसका 1% और वो जाता है श्रमिक कल्याण बोर्ड में और इस सरकार को कोई उसका वर्डन नहीं है। और इस वक्त भी जो है हिमाचल प्रदेश श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर लगभग 1000 करोड़ के आसपास पैसा जो है वो है जो मजदूरों का पैसा है, मजदूरों के ऊपर खर्च करना है, मगर ये सुक्खू सरकार 10 दिसंबर को शपथ लेती है और 12 दिसंबर को पहला काम जो है एक अधिसूचना जारी करके सभी निर्माण मजदूरों को जो लाभ मिलते हैं उसको बंद कर देती है। कई बार सभी ट्रेड यूनियनों के डेपुटेशन मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, पर कोई इनके ऊपर जो है कान के ऊपर जू नहीं देखती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सभी ट्रेड यूनियन मिलकर जो है आज अपने आंदोलन का आगाज कर रही है और आने वाले समय के अंदर जो है इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और एक निर्णायक लड़ाई जो है हिमाचल प्रदेश के निर्माण मजदूर श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभ हासिल करने के लिए सरकार के खिलाफ लड़ेंगे।